Good morning, guys. Welcome back to the channel. Place Janbo, Upper Siang District, Arunachal Pradesh. Time और क्या सुबह के 5 बजे और जैसे कि मैंने last video के end में बताया था, मुझे direct truck मिल गया है Janbo से Tuting तक का और अभी मैं उन truck वाले भाई साहब के पास ही जा रहा हूँ. बाहर अंधेरा है. बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और जबरदस्त वाली ठंड हो रखी है. The fun of backpacking. मुंह लाल हो गया मेरा. फन है यार, सच में फन है भाई बैक. आंटी आंटी वो रुपए आपको देना. जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं. वो चाबी रख दी है? हाँ मैं रख दी. ये रहा, इधर ले लीजिए. ठीक है. इन आंटी ने मेरे को शाम को गेस्ट हाउस की चाबी दी थी और फिर मदर से आया था. अभी ट्रक वाले भाई साहब उठे नहीं है तो जो आंटी है उनके घर पे हूँ अभी. आंटी ने अभी आग जला रही है. आप कितने बजे उठते हैं? 5 बजे, 2-3 बजे भी उठता है. अच्छा, सिर्फ उजाला को देखते हैं ना. अच्छा अच्छा अच्छा. उजाला नहीं है नशे, नहीं तो हम वो एक्सरसाइज भी करना था. दूस नहीं होते हैं जंगल में. जंगल है तो ना, क्या ये का कोई बाल बाघ भालू चीता रख ये में रख जा सकते हैं रात में? इधर भालू है क्या? भालू है तो. और ये किसका खाल है? अच्छा, हिरन. हिरन है इधर? हिरन आ रहे दुनिया में कहीं. अच्छा अच्छा अच्छा. बैठने के लिए ये गर्म होता है इधर में? अच्छा रखता है. अच्छा अच्छा. ये जानवर से दुश्मन लगता है, जानवर को मार देते. तो इधर जानवर मार देता है? मार के खा देते. अच्छा, खा लेते. सब कुछ खाता है इधर? खाता है, सांप भी खाता है, बंदर भी खाता है, भालू भी खाता है. अच्छा. और ये हिरन भी खाता है, बाघ को भी खा देते है. इधर कई लोग बोलते हैं जय बजरंग बली. कौन बोले जय बजरंग बली? एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है मेरे को इंकियोम का, वो बोलता है जय बजरंग बली जब गाड़ी चला रहा था ऊपर, जब चढ़ रहा था गाड़ी. मेरा भाई होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में. मैं आपको फोटो दिखाता है. यही है? ये है ना भाई है ना. अच्छा, आपका आपका भाई है ये? मेरा भाई. हमसे चौताला. हम बोले ना यही बोलते जय बजरंग बली. कैसे कैसे कोइंसिडेंस हो रहे हैं. कल मुझे इनके भाई ने लिफ्ट दी, आज मैं इनके साथ यहाँ पर बैठ के आग सेक रहा हूँ. तो ट्रैवलिंग के टाइम पर ऐसे कोइंसिडेंस भी हो जाते हैं कई बार आपके साथ. 5:17, डेट 1 फरवरी. आंटी चाय अच्छा बनाया है? चाय बनाने नहीं जानते ना. नहीं अच्छा है. वो भाई और भी उठ गया है. थैंक यू आंटी. आई दो अभी लगभग आधे घंटे से आंटी के पास ही बैठा था. बाय आंटी. ये मेरा ट्रक और अभी जा रहा हूँ मैं इधर से. धन्यवाद भैया, धन्यवाद. इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मोटरेबल रोड्स. और अभी पता है हम क्यों रुके हुए हैं? जो ट्रक्स के ब्रेक है वो गर्म हो गए हैं और उस कारण से ट्रक को रोकना पड़ा है. और अभी लगभग 10-15 मिनट हमें लग जाएंगे. हर एक घंटे में इन भाइयों को रुकना पड़ता है इन ब्रेक्स को ठंडा करने के लिए. मतलब इतना ज़्यादा ब्रेक्स का यूज़ होता है. और सबसे एक्सट्रीम बात क्या है इस रोड की, सिर्फ सिंगल वे है. और कई जगह तो ऐसा है कि एक बारी में ट्रक को सीधा निकालना मुश्किल होता है, ट्रक को बैक करके. अब जैसे ये है, यहाँ पे कई ब्रिज एकदम एक्सट्रीम पे होते हैं, ट्रक को पीछे करना पड़ेगा, फिर सीधा फिर सीधा. मतलब एक बारी में एक ट्रक का निकलना भी मुश्किल हो जाता है कई बार. तो बहुत मुश्किल रोड है ये ड्राइव करने के लिए. और इन रोड्स को और गंदा बना देता है यहाँ पर पानी. यहाँ पर हद से ज़्यादा बारिश होती है और हद से ज़्यादा नमी है, तो रोड टूट भी जाते हैं, रोड स्लिपरी भी हो जाते हैं कई जगह. तो आपका नाम क्या भैया? जतिन. जतिन,
तो लगभग हर एक घंटे में रोकना पड़ता है गाड़ी को। तो ब्रेक्स अपने आप ठंडा होता है, फिर कुछ करना भी पड़ता है आपको? नहीं, अपना ठंडा हो जाता है। अभी जो बदबू आ रहा था वो ब्रेक्स में से ही आ रहा था ना? इतने गहरे फॉरेस्ट में मैं पहली बार आ रहा हूँ, इससे पहले मैं कभी नहीं गया हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनू। सोनू। और भैया का नाम? राहुल। राहुल। राहुल, जतिन, सोनू। शूटिंग? शूटिंग ही चल रहा है। गोम्पा मंदिर घूमने जाएगा। मंदिर है ना बहुत बड़ा सा चाइना वाला। अच्छा, शूटिंग में? हाँ हाँ, वहाँ चलते हैं घूमने के लिए। एकदम साउथ अमेरिका जैसी फील आ रही है। डिस्कवरी पे देखे थे मैंने साउथ अमेरिका के ऐसे रोड्स, लैटिन अमेरिका टाइप। बॉर्डर आ रहा है, चाइना बॉर्डर। चाइना बॉर्डर आ रहा है। अब देखिए, सबसे बड़ा पंगा यही है, अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो उसको साइड कैसे दे। हमारे हीरो राहुल भैया। अभी सामने आर्मी की गाड़ी आई हुई है और बैक करवाना पड़ रहा है, क्योंकि इस गाड़ी में लोड है, वो गाड़ी खाली है। मैं दो गाड़ी एक साथ नहीं निकल सकती, इतना ज़्यादा नैरो रोड है ये। रोक रहे 10 मिनट। चलो मैं भी आता। मैं एक बार इन भाइयों से बात करूंगा कि मेरे को एक बार ट्रक के ऊपर बैठने दे, वहां से जो व्यू आएंगे ना अल्टीमेट होंगे। आपको दिखाई देता हूँ कैसे कैसे व्यू है अभी। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम रोड, पासीघाट टू तूतिंग। देखिए ऐसा व्यू आ रहा है। नीचे ब्रह्मपुत्र रिवर, वैली, बादल, पहाड़, एक्सट्रीम रोड्स, और क्या चाहिए। लाइक दिस इज द रियल एडवेंचर। और थोड़ा सा जुखाम भी हो गया है। मैंने अभी उन ट्रक वाले भैया से पूछा कि मैं ऊपर बैठ जाऊँ, तो मना कर रहे हैं कि आगे जाके पेड़ भी नीचे हो जाएंगे और पहाड़ भी ऊपर से कटा हुआ होगा, रास्ता और भी मुश्किल होने वाला है। तो यहाँ के बाद और ज्यादा खराब हो जाएगा। अभी इससे और मुश्किल लगता है, यहाँ तक तो बहुत अच्छा है और उसके बाद मुश्किल। सोनू भैया बोल रहे थे अब तक तो बहुत अच्छा रोड था, आगे असली खतरनाक रोड था। राहुल भैया ट्रकों के अंदर जो गाने चलते हैं ना यार, वो अलग ही लेवल के होते हैं। वो mid-90s और late 80s वाले श्रृंगार अधूरा।
अभी गाड़ी के लिए जगह देख रहे हैं, खाना बनाएंगे ना अभी। अरुणाचल में आपको जगह जगह पर ऐसे स्प्रिंग वाटर मिल जाएंगे, तो वहीं पर ये भाई साहब बर्तन धो रहे हैं और खाना वाना भी वहीं पे बना रहे हैं। राहुल भी आप कितने साल से गाड़ी चला रहे हैं? हम 5 साल 6 साल रनिंग हो रहा है। अच्छा, और इस रूट पर? इस रूट पर अभी हो गया 5 साल। अच्छा, इसी रूट से चला रहे हैं आप स्टार्टिंग से? इसी रूट से गाड़ी सिखाई, इसी रूट से चला रहे हैं अभी। शुरू में तो बहुत डर नहीं लगा होगा यार, ऐसे संकरे संकरे रोड है। पीछे सोनू भाई और राहुल भाई खाना बना रहे हैं, थोड़ी बहुत हेल्प मैंने भी की थी और अभी मैं आ गया हूँ आगे। कभी टूरिस्ट दिखता है क्या इधर? टूरिस्ट सर वो ये वाला आते हैं लोग, वो क्या बोलता है, फॉरेन वाला। इंडियन नहीं आते? इंडियन नहीं आते, इंडियन वो बाइक से बुलेट से आते हैं। अच्छा अच्छा, 10-12 का लाइन होता है उनमें। अच्छा अच्छा, वो लोग आते हैं बुलेट से अपना सवारी। अकेला कोई नहीं देखा आपने? नहीं, सिंगल नहीं आते, सिंगल नहीं आते। तो शायद मैं भी पहला बैकपैकर और पहला हिच हाइकर होऊंगा मैं इस जगह पर, आई एम नॉट श्योर बट हो सकता है। सिंगल सिंगल में सर आप ही हैं? आप आज से पहले आपने कोई टूरिस्ट नहीं देखा है? नहीं, कोई सिंगल नहीं देखा। और कितने टाइम से इस लाइन पे हो आप? सर ये हम बोले नहीं कि हाँ 30 साल से, 91 से गाड़ी चला रहे हैं। हाँ रे, आपको 30 साल हो जाएंगे इस लाइन पर। इस रूट में हम देखा है तो वो फॉरेन ही लोग आते हैं, ज्यादा फॉरेनर आते हैं। फॉरेनर आते हैं वो 3-4 गाड़ी लेके आते हैं अपने साथ में, और उनको समझाने के लिए उनके साथ में वो गाइड, एक लोकल गाइड होता है। हाँ, लोकल गाइड होता है कि हर ये हर जगह का भाषा उनको समझाए, वो लोग आते हैं। So it's a big achievement for me. तो guys, अरुणाचल में घूमना शुरू करिए आप भी। अरे बुढ़बक के ससुर। बुढ़बक के ससुर। देख लगाइए अभी। सोनू भैया आपको बोर तो नहीं होने देते ना राहुल भैया? रोज का सफर है, बोर नहीं लगता है। ये देखा? ये हाँ, यही है ना बैद भैया? जो आपने गैस पुलिस वालों के पास देखी है ना, ये इसी लकड़ी की बनती है और ये सिर्फ अरुणाचल में मिलती है ना? जब लगाएगा ना तब पता चलेगा। सिर्फ अरुणाचल में, जब मारेगा तब दर्द नहीं होता, 5 मिनट के बाद दर्द होगा। टायर को सेट करना तरे हम लोग का घर एकदम उपाय नहीं है। अरे बहुत मस्त है भैया, असली जिंदगी यही है। गाइस लंच हो गया है और अब आ रही है नींद। कितना बचा है? 2 दिन बचा है। कितना है बचा? कितना किलोमीटर? 50 किलोमीटर। 4 घंटा? 5। अभी यहाँ से 50 किलोमीटर बचा हुआ है और लगभग 5 घंटे और लग जाएंगे, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर। यही एवरेज आती है। साफ पानी कैसे है? बहुत साफ पानी है, बर्फ का पानी, बर्फ पिघल के आ रहा है।
किलोमीटर सही रोड आता है फिर 10 किलोमीटर खराब रोड, 1 किलोमीटर सही फिर 10 किलोमीटर खराब। ऊपर स्नो से ढका हुआ माउंटेन दिख रहा है और वही है हाँ। हम चारों भाइयों में सबसे छोटा मैं ही हूँ। जतिन भाई अपने 28, सोनू भैया 32 और राहुल भैया 35। लगता है क्या फील और एडवेंचर है। देखे लेकिन इससे खराब आज तक कोई रोड नहीं देखा था। शाम के 5 बज गए हैं और 2-3 बस अभी 2 किलोमीटर बस 2 किलोमीटर बचा है। ओके धन्यवाद भैया। बाय यार। ओके बाय यार। दिस इज माय अकोमोडेशन इन तूती। थक गया यार आज, बहुत ज्यादा थक गया हूं मैं। बॉडी में पेन हो रहा है। इतना घटिया रोड मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। और बाकी गाइस अभी मैं रुका हुआ हूँ आईबी यानी इंस्पेक्शन बिल्डिंग। ये अरुणाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंडर आता है। मैं कल भी आईबी में रुका हुआ था, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। लेकिन वहाँ पर मैं पे कर रहा था सिर्फ 200 रुपीज़ पर नाइट और यहाँ मैं पे कर रहा हूँ 600 रुपीज़ पर नाइट। और रोड्स के बारे में आपको एक बात और बताता हूँ। यहाँ के रोड्स यूँ मान लीजिए, आप जो साउथ अमेरिका के रोड्स हैं ना, आपने कई जगह डॉक्यूमेंट्रीज में पढ़ा होगा या फिर कई आर्टिकल देखे होंगे या फिर कई वीडियोस देखे होंगे कि साउथ अमेरिका के रोड बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, तो वैसी रोड आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे ऊपर की साइड। और बाकी गाइस कल मैं जाऊँगा बिशिंग और गैलिंग तक, जो इंडिया के लास्ट विलेज हैं। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दबा दो यार ये लाल बटन, इससे मुझे बहुत हौसला मिलेगा। और अगर आप वीडियोस को शेयर नहीं करेंगे तो अपना चैनल आगे नहीं बढ़ेगा, और अपना चैनल आगे नहीं बढ़ेगा तो मैं आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट नहीं बना पाऊंगा। तो वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और खुश रहिए, आबाद रहिए। अगर आपको वीडियो देखने में बहुत मज़ा आ रहा है ना, तो एक बार खुद ट्राई करके देखना, मतलब कि आप फिर पागल हो जाओगे कि यार इतने मज़े आते हैं ट्रैवलिंग में। तो बस गाइस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन बाय बाय, कीप ट्रैवलिंग, पीस। अरे भाई 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 भाई।